अस्सलामु अलैकुम, मैं खान, आप देख रहे हैं खान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैंने एक घड़ी तैयार की है जिसको आप बिजली पे चार्ज कर सकते हैं। आप अगर इसको चाहें तो घंटा या आधा घंटा लगा दें तो ये 2 महीने या 3 महीने आराम से चल जाएगी। हर वक्त आपको सेल चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसकी मैंने रेड लाइट लगा दी है जिसकी मदद से पता चल रहा है कि ये चार्ज हो रही है। कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हमारी घड़ी है, आप देख सकते हैं न्यू घड़ी है। इसके साथ मैं अभी, ये मेरे पास एक मशीन पड़ी है जिससे मैं सर्किट निकाल के इसका जो सेल है 1.2 वोल्ट का सेल है ये घड़ी में भी आराम से चल जाता है और टॉर्च में भी ज़रूर होता है। ये सेल की मदद से मैं पहले घड़ी को आप चला के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारी घड़ी बिल्कुल काम कर रही है। अब मेरे पास जो ये मशीन है, मैं इसे जल्दी जल्दी ओपन करता हूँ। ओपन करके आपको वो सर्किट भी दिखा देता हूँ जिस सर्किट से हमने इस घड़ी को चार्ज करना है। हफ्ते में अगर मसला बनता है, हफ्ते में एक बार लगा दो, अगर महीने बाद लगा दो, 3 महीने बाद भी लगा दो, आधा घंटा घंटा, ये आराम से 2-3 महीने गुजर जाएंगे। हर वक्त सेल चेंज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हफ्ता हफ्ता से याद भी नहीं रहता कि सेल भी इसका भी चेंज करना है। क्योंकि जब इसका सेल इस तरह लग जाएगा चार्जिंग वाला तो आपको हर वक्त मसला बिल्कुल नहीं होगा। जब देखना ये रुकना शुरू कर दी है, स्विच लगा दो या हफ्ते बाद लगा दो या महीने बाद या 2 महीने बाद भी लगा दो, ये रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लेगी। ये इसके साथ जो सर्किट मोटर लगी हुई है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इसकी तो अब ज़रूरत रही नहीं। ये इसका छोटा सा सर्किट है, एक तरफ से हम इसको 220 देंगे और दूसरी तरफ से ये 1.2 वोल्ट बाहर निकालेगा जो हम इस सेल क्लॉक घड़ी को दे देंगे, ये काम करना शुरू कर देगी। ये हमारे पास छोटा सा एक वो है जिसमें हम तार लगा के आगे प्लग लगा देंगे। ये हम तार जो लगा रहे हैं 220 की लगा रहे हैं। अगर भाइयों मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो ना, किया हो, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई आपको मसला पेश आता है, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर व्हाट्सएप दिए हुए है, उस पर भी आप मेरे साथ रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं इंशाल्लाह काम करके दिखाते हैं। वैसी बात तो नहीं है कि कई होते हैं दिखाते कुछ और हैं बताते कुछ और हैं, इस तरह नहीं है। क्योंकि आपका जो रब है वो भी देख रहा है, कल को मरना भी है, उसको भी साफ देना है। दिखाते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, इस तरह नहीं चलता। क्योंकि हमेशा सच चलता है, झूठ हमेशा नहीं चलता। हम इस पर नेगेटिव भी लगा दें और प्लस लगा दिए, अब इस सेल को हम इस घड़ी के अंदर डाल देंगे। पहले इसको मैं जो सर्किट के टांके हैं वो लगा दूं, ये मनफी पॉइंट है यहाँ पे लगा देंगे। इसके आगे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी हम इस पे लगा देंगे। सिर्फ 2 तारें लगानी हैं, 2 वापड़े पे लेके जानी हैं, 2 सेल पे लेके जानी हैं। कोई इसमें इतना मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी हो, घड़ी में जो मैं लाइट लगाई हैं हर सुई के साथ एक एक लाइट लगाई है, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। इस पे छोटी सी LED लगी हुई है सब्ज कलर की। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी मैं जो लाइट है ये निकाल के
यहाँ पे रेड लगा दूँ तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा और सामने आ जाएगी तो पता चलेगा ये चार्ज हो रही है। इस सेल को मैं इधर डाल दूँगा इसके अंदर। आपको मैं चला के भी दिखा देता हूँ कि कोई मसला इस तरह नहीं आता कि घड़ी रुक जाए या तेज़ हो जाए, उसी हालत में रहेगी जिस तरह काम कर रही है। आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है, ये मैं निकाल के यहाँ पे रेड कलर की लगाऊंगा क्योंकि ये नज़र आती बहुत कम है, क्योंकि ये सब्ज़ कलर की है, देखने में भी थोड़ी मुश्किल आ रही है। जो इसकी लाइट है इसको मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर की लगाऊंगा जो देखने भी पता चल जाए कि हमारी जो घड़ी है ये चार्ज हो रही है। पहले आपने इस तरह की वीडियो बिल्कुल दोस्तों नहीं देखी होगी। ये लाइट है इसको मैं ख़त्म करके बड़ी वाली लगाऊंगा कि पता चल जाए कि हमारी क्लॉक घड़ी चार्ज हो रही है। अब मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि अब दूर से भी नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ऑन है। इसको मैं यहाँ पे पक्का कर देता हूँ, चिमड़ा देता हूँ। चिमड़ाने के बाद फिर आर्ट के साथ ये पक्की हो जाएगी तो फिर हम इसको आगे आपको चेक कराते हैं। आप देखें कि ये हमारी लाइट ऑन हो चुकी है, ये काम कर रही है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।